ये जरूरी नहीं है जिंदगी में परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर दे। हेलो, ये जरूरी नहीं है आपके जीवन में परमेश्वर आपकी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर दे। मैं तीसरी बार बोलना चाहूंगा ताकि आप इसको सुने। ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर दे। कभी कभी परमेश्वर आपसे मांग करते हैं, कभी कभी परमेश्वर आपसे डिमांड करते हैं कि आप इस बात पे खड़े हों कि मेरे लिए सब ठीक है। यह बात स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं, यह बात स्वीकार करना बहुत कठिन है। यह जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दे। परमेश्वर यह चाहते हैं कि आप यह रवैया रखें, आप इस लेवल पर आए जिसमें आप यह कह सकें, ठीक है मेरे लिए सब ठीक है, ठीक है मेरे लिए सब ठीक है। दानियल की किताब में तीन जवान परमेश्वर के भक्तों का जिक्र है, एक का नाम शद्रक, दूसरे का नाम मेशक और बाइबल कहती है तीसरे का नाम अबेदनेगो। और वचन इस प्रकार से कहता है, राजा ने एक मूर्ति खड़ी कराई और वो मूर्ति सोने की थी और राजा ने कहा जब बांसुरी वीणा ढोल नगाड़े और वो तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजे तब हर व्यक्ति इस मूर्ति के आगे झुकेगा और इसको दंडवत करेगा। तब तीन लोगों की कंप्लेंट राजा को की गई, तीन लोग हैं यहां पर जो यहूदी हैं और वो आपके नियम को नहीं मानते, जब बांसुरी बजती है, नगाड़े बजते हैं और तमाम इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, ढोल बजते हैं, तीन लोग आगे आकर मूर्ति के आगे नहीं झुकते। राजा को यह बात मालूम पड़ी, राजा ने उनको बुलाया। अब देखिए उन तीन लोगों का उत्तर क्या था। उन तीन लोगों ने कहा, राजा हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर को सजदा करने वाले हैं। अब सुनना, उन्होंने कहा पहली बात, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, यह हमारे लिए अच्छी बात है, अगर वो ना भी बचाए तो भी हमारे लिए अच्छी बात है। यानी मैं दूसरे शब्दों में आपको कहना चाहूंगा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा हमारी प्रेयर का आंसर आया तो हमारे लिए अच्छा, नहीं आंसर आया तो भी हमारे लिए अच्छा है। हेलो, कितनों को समझ आई ये बात। दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाहते हैं, हम दुआ करेंगे अपने प्रभु से, अगर उसने आंसर किया, आंसर कैसे करेगा प्रभु, यानी बचाएगा हमें, हम दुआ करेंगे प्रभु से, अगर उसने आंसर किया अच्छी बात है, नहीं आंसर किया तो भी अच्छी बात है। हेलो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रति ये वाला रवैया रखें। अगर आप इस रवैये में हैं, उत्तर आया अच्छा है, नहीं उत्तर आया तो भी अच्छा है। इन तीनों ने यही किया तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपका रवैया ये है तो मैं आपको हर एक वो जो यहां बैठा उनको ये कहना चाहता हूं, इसको कहते हैं परमेश्वर की विल में, परमेश्वर की मर्जी में खड़े होना, इसको कहते हैं परमेश्वर की मर्जी में जीना। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहता है परमेश्वर मैं तेरी विल में चलना चाहता हूं, वो शद्रक मेशक और अबेदनगो से सुन सकते हैं। उन्होंने कहा परमेश्वर बचाएगा, यानी हम दुआ करेंगे प्रभु हमें आग के भट्टे से बचा, वो बचाएगा, हमें उत्तर आएगा, उत्तर आएगा हमारे लिए अच्छी बात है, अगर हम दुआ करें और परमेश्वर ना बचाए, उत्तर ना आए तो भी हमारे लिए अच्छा है। याद रखना मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर के महान सेवक ने ऐसा कहा,
एक परमेश्वर के महान सेवक ने ऐसा कहा, जब आप परमेश्वर से जिद कर मांगते हैं तब आपको वो मिलता है जो आप मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की विल पे छोड़ देते हैं तब आपको वो मिलेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ठहराया हुआ है। बोलिए आमीन। और परमेश्वर ने आपके लिए कभी कोई छोटी योजना नहीं बनाई। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के पास आपके लिए छोटी योजना नहीं है। मैं आज इस कलीसिया से एक बात पूछना चाहता हूं, कौन कौन अपने परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, कौन कौन वर्शिप करना चाहते हैं अपने परमेश्वर की? ईमानदारी से बोलिए, एक ट्रू वर्शिपर, एक सच्चे आराधक। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे देखिए, एक सच्ची आराधना का अर्थ है अपने परमेश्वर को ऑनर करना। शद्रक मेशक अबदनगो ने इस बात के द्वारा राजा के सामने और स्वर्ग की समस्त सेना के सामने और शैतान और उसके तमाम दूतों के सामने अपने परमेश्वर का ऑनर किया। ये परमेश्वर का ऑनर था, ये परमेश्वर का आदर था। अगर उत्तर आए तो भी हम उसको धन्यवाद देंगे, उत्तर ना आए तो भी उसको धन्यवाद देंगे। उन्होंने इस रीति से परमेश्वर को महिमा दी। याद रखिए, आप जब परमेश्वर का आदर करते हैं उस आदर के द्वारा परमेश्वर महिमा पाता है। जब उन्होंने ऐसा कहा, उत्तर आएगा तो भी परमेश्वर को धन्यवाद, उत्तर ना आए तो भी परमेश्वर को धन्यवाद। ये ऑनर था अपने गॉड का, ये इज्जत थी अपने खुदा की। और जब उन्होंने अपने गॉड को इज्जत दी तो वहां एक महिमा दिखाई दी, और महिमा ये राजा ने आग के बट्टे में डाला, डाले गए तीन दिखाई चार दे रहे हैं। परमेश्वर उतर आया स्वयं उनको आग के भट्टे में बचाने के लिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उस राजा के सामने अपनी महिमा दिखाई। आप खुदा को ऑनर कीजिए। याद रखिए, अगर आप खुदा को ऑनर करेंगे खुदावन अपनी महिमा को दिखाएंगे। आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में खुदा को ऑनर कीजिए। और उसके अगले पल में जब आप पहले पल खुदा का ऑनर करेंगे, अगला पल आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। कोई कहेगा आमीन, कोई कहेगा आमीन। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप ये वाला रवैया रखें। उत्तर आया तो भी ठीक, नहीं आया, अगर ये रवैया आपका है आप कुछ अद्भुत देखेंगे। अब ऐसा देखेंगे जो आपसे पहले कभी ना देखा। याद रखिए, उस राजा के पूरे राज्य में किसी ने भी कभी ऐसा सीन नहीं देखा था कि तीन लोग आग में डाले गए और जो डालने गए वो जलकर मर गए, और तीन लोग आग में अपने जुराबों के साथ, मोजों के साथ आग में घूम रहे हैं। ऐसा नजारा ना राजा ने, ना उसके सिंहासन में किसी व्यक्ति ने जो वहां बैठता था उसके संग वाले सिंहासन पर, और ना ही उसकी प्रजा में कभी किसी ने देखा था। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अपने डिसीजन के द्वारा, अपने फैसलों के द्वारा अपने परमेश्वर को ऑनर करते हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आप अपने फैसलों के द्वारा अपने परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर उन्हीं स्थानों में आपको अपनी महिमा दिखाएगा, वो महिमा जो अब से पहले कभी ना देखी गई। यीशु के नाम की जय। आपका जय धीरे जोर से बोलिए, यीशु के नाम की जय। यीशु के नाम की जय। आनंद से बोलिए, यीशु के नाम की जय। मैं चाहता हूं अब आगे की तरफ देखें और सुने और समझे इस बात को, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने एक बार प्रचार करते समय बोला था इसी जगह के ऊपर, हम मसीलों की समस्या ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर आंसर नहीं करता। हम मसीलों की समस्या ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर नहीं देता। हम मसीलों की समस्या ये है, हम उत्तर अपने टाइम पर और अपने मुताबिक मांगते हैं। टाइम भी मेरा हो, स्टाइल भी मेरा हो, समय भी मेरा हो, तरीका भी मेरा हो, हम मसीलों को पता है हमारा परमेश्वर आंसर करता है,
समस्या यहां है, टाइम और तरीका हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे मुताबिक करे। याद रखना मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को एडवाइस नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को सलाह नहीं दे सकते। ये गलती अपने जीवन में कभी मत कीजिए। लास्ट वीक मैंने एक स्टडी की थी और मैंने उस पढ़ाई में जो बाइबल में से मैंने पढ़ाई की, मुझे उसमें समझ आया कि कभी कभी हम परमेश्वर को काम करने का तरीका बताते हैं। आपको मालूम है आप अपने जीवन में लॉस उठा सकते हैं, आप परमेश्वर से विनती रख सकते हो लेकिन परमेश्वर को तरीका नहीं बता सकते। मैं दोबारा बोलता हूं, आगे देखें और ध्यान से सुने। आप परमेश्वर के आगे अपनी विनती रख सकते हो लेकिन आप उसको काम करने का तरीका नहीं बता सकते। एक एग्जांपल दूं, एक उदाहरण दूं, नहीं इसके पास तो है, थैंक यू सो मच, आप बैठ जाइए। कौन सा बाइक है आपके पास, कौन सा मोटरसाइकिल है? हमारे पास साइकिल है। साइकिल है, ओके ठीक है, मोटर नहीं लगा उसके ऊपर? चलिए दुआ करेंगे लग जाए, आपका साइकिल आने वाले दिनों में मोटरसाइकिल कहलाए। ओके, एग्जांपल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए। ये व्यक्ति है, इसका नाम सुभाष है, यस, डंडारी में रहते हैं, ओके ठीक है, इनका नाम सुभाष है, ये डंडारी में रहते हैं। ये घुटने टेक कर कहे, परमेश्वर मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, HDFC बैंक के मैनेजर से बात कर, वो मेरा लोन अप्रूव करे। बहुत गलत दुआ है, इससे गलत दुआ कोई नहीं हो सकती दुनिया में। इसने कहा परमेश्वर मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, इसकी नीड है, दुआ कर सकता है लेकिन ये परमेश्वर को रास्ता नहीं बता सकता। प्रभु आप जाइए और मैनेजर से बात कीजिए, वो मेरा लोन अप्रूव करे। यहां गलती होगी, इसको सिर्फ इतना कहना चाहिए, प्रभु मैं आपका बेटा हूं, मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, आप यहोवा यिर्या मेरे लिए उपाय करें। परमेश्वर को मार्ग ना बताएं। हम में से कई लोग यहीं पर गलती करते हैं। हेलो, हम परमेश्वर को रास्ता भी बता रहे हैं कि मैं बताता हूं तरीका कैसे। हमारी समस्या ये नहीं है खुदा हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, समस्या ये है हम उत्तर अपने टाइम पर और अपने मुताबिक चाहते हैं। हम अपने मुताबिक उत्तर चाहते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरे मुताबिक दे, तरीका मेरा हो, समय मेरा हो। एक मिनट के लिए आगे देखिए, काश ये व्यक्ति सिर्फ इतनी प्रार्थना करे, प्रभु मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, आप दे दीजिए। हो सकता है परमेश्वर ने किसी के मन को तैयार किया हो कि वो इसको फ्री में गिफ्ट करके जाए। परमेश्वर ने एक डोनर को तैयार किया, कि दान देने वाले को तैयार किया हो कि जाओ और सुभाष को जाके एक नया मोटरसाइकिल बाय करके दे दे। लेकिन याद रखिए, इसने काम कहां खराब कर लिया, इसने परमेश्वर को तरीका बता के काम खराब किया। अब परमेश्वर कहेगा ठीक है, मैं अपने वचन में अड़िंग हूं, मैंने बाइबल में लिख के दे दिया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अब तूने मांगा ही HDFC बैंक का चक्कर है, भुगत 4.5 साल की किश्तें, चिंता ना कर, 875 की बनेगी, दे और मोटरसाइकिल चला। कितनों को समझ आ रहा आज का वचन? हेलो, आपने विदेश जाना है, घुटने टेक कर ये दुआ मत करें, खुदा बाप मेरे मौसी से बात कर, मौसा से बात कर, उससे बात कर। आप कहिए खुदा बाप मुझे बाहर जाना है, मैं नहीं जानता कैसे जाना है, आप अपना दूत भेजिए और मेरे रास्ता खोलिए। हेलो, कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा? आपको अपनी प्रेयर को परमेश्वर के आगे, मैंने थैंक यू सो मच, 1990 में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च साउथ कोरिया में था, सियोल सिटी में था, पास्टर पॉल डेविड योंगीचो उस चर्च के पास बांध थे। मैंने एक किताब पढ़ी है, नीचे मेरी लाइब्रेरी में है, उसकी 2 कॉपियां हैं, नहीं दे पाऊंगा आपको क्योंकि बहुत साल पहले एक को दी थी, वापस नहीं करके गया। उस किताब का नाम है द 4th Dimension, हिंदी में है विश्वास की रूपरेखा। उस बुक में ऐसा लिखा है, पॉल योंगीचो ने जब मिनिस्ट्री को आरंभ किया तो उन्होंने परमेश्वर से कहा, 1990 में दुनिया के सबसे बड़े चर्च के पासवान ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे एक साइकिल, एक टेबल, एक चेयर चाहिए, आप दे दीजिए। परमेश्वर मुझे एक साइकिल चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, आप दे दीजिए।
परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं दिया। लंबे समय के बाद उसने कहा, परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा था मैं अपने मांगने वालों को उत्तर देता हूं, आपने मुझे दिया क्यों नहीं? तो परमेश्वर ने उसको कहा, दुनिया में कितनी तरह की कंपनियों के साइकिल हैं भैया, तो जो कौन सा चाहिए बताया ना, कितने तरह के टेबल हैं, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, सेंटर टेबल, अरे कुछ सही से बताना। तब उसने बताया, प्रभु मुझे एक ऑफिस टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, एक साइकिल चाहिए और ब्रांडेड साइकिल चाहिए और विदेशी साइकिल चाहिए, सब बात बता के आप मुझे दीजिए, बस इतना प्रार्थना करके। प्रभु ने उससे बात किया, प्रभु ने कहा वचन में लिखा है जो कुछ तुम विश्वास से मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया, मरकुस में लिखा है। अब उसने इसके ऊपर काम किया, अपने कलीसिया में गया, उसने लोगों को बोला प्रभु ने मुझे एक साइकिल दे दिया, एक टेबल दे दिया, एक चेयर दे दिया। एक कलीसिया में बोलने के बाद जैसे मीटिंग से घर आया, कलीसिया के कुछ शरारती लड़के थे, यंगस्टर्स थे, उन्होंने कहा पादरी झूठ बोलता है, चलो पीछे पीछे चलते हैं। पादरी के घर पहुंचने के कुछ देर बाद वो घर में आए और बेल बजाई, पास्टर जी बाहर आए और जैसे गेट खोला बोला पासवान हम आपका साइकिल टेबल और चेयर देखने आए हैं। पास्टर ने जल्दी से गेट बंद किया, कुंडी मारी, बोला प्रभु गड़बड़ हो गया, मैंने तो विश्वास से गवाही दिया, बाइबल में लिखा जो कुछ तुम विश्वास से मांगते हो विश्वास करो मैं मिल गया, तो गड़बड़ हो गया। तब प्रभु ने उसको एक सवाल पूछा, एक गर्भवती महिला को गर्भ ठहरने के बाद कितने दिन बाद बच्चा पैदा होता है? बोले 9 महीने बाद। बोले जाके बाहर बोल दे। बोले जी उनको जवानों को बोला एक गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी ठहरने के कितने दिन बाद बच्चा पैदा होता है? बोले 9 महीने बाद। बोले ठीक है ऐसा ही है। तो वो कहने लगे आपको साइकिल चेयर और टेबल का गर्भ ठहरा है क्या? और वो लोग चले गए। ये विश्वास की रूपरेखा था, फोर्थ डायमेंशन बुक में लिखा, पढ़ लीजिएगा। अब मालूम है क्या हुआ, ये परमेश्वर का दास घुटने टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने ऐसा कर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने ऐसा कर दिया है, लोग चाहे मेरा मजाक उड़ाएं लेकिन आपने मेरे लिए कर दिया है, ये वचन में लिखा है जो विश्वास से मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया। सेम डे उस बुक में लिखा है एक व्यक्ति विदेश से आया था और वो अमेरिकन था, एक ऑफिसर था, उसने वापिस जाना था, अमेरिका की तरफ से उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, उसको अमेरिका वापिस जाना था और वो आया, उसने अपनी पूरी पैकिंग भी नहीं खोली, उसको मैसेज आया आपको वापिस लौटना पड़ेगा। उसने मोहल्ले में जाके पूछा यहाँ कोई परमेश्वर का दास है? तो उसको बताया गया हाँ एक परमेश्वर का दास है। तब योंगिचो के घर में आके उसने बैल बजाई, उसने कहा क्या आप मेरे घर चल सकते हैं? उसने सोचा शायद प्रेयर के लिए लेके जाएगा। योंगिचो उसके घर में गए, उसने कहा ये अभी मैंने पैकिंग नहीं खोला, ये साइकिल अमेरिका से लाया हूं और ये टेबल है, ये चेयर है, बिल्कुल नया है, मैंने इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया और मैं ये चाहता हूं कि आप ले लीजिए क्योंकि मुझे वापस अमेरिका जाना पड़ रहा है, इतना सामान कैसे लेकर जाऊंगा। और जब योंगिचो ने उस साइकिल का पन्ना हटाया, उसकी पैकिंग खोली, वो टेबल वो चेयर देखा, वही कलर था, वही कंपनी थी, वही साइज था। कितनों को समझ आ रहे हैं? आप दुआ करें परमेश्वर से लेकिन परमेश्वर को रास्ता मालूम है। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति ने खुदा को रास्ता बताया और अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली। सारा ने अब्राहम को कहा हमें बच्चा मिलने में देरी है, क्यों ना तू हाजिरा को अपनी पत्नी बनाए और उसके द्वारा मुझे एक बेटा दे। यानी दूसरे शब्दों में सारा की परमेश्वर से प्रार्थना थी, आपने मुझे औलाद नहीं दी पर मुझे औलाद चाहिए, मेरे द्वारा नहीं सही मेरी नौकरानी के द्वारा दो। उसने परमेश्वर को रास्ता बताया, एडवाइस किया। अब सारा से बच्चा तो पैदा हुआ इश्माइल, लेकिन बाइबल में लिखा है हाजिरा से बच्चा तो पैदा हुआ इश्माइल, बाइबल में लिखा है जब सारा का बेटा पैदा हुआ तब उसने इश्माइल को अपने बेटे की हंसी करते देखा और अंदर से बहुत दुखी हुई। और बाइबल में लिखा है वो अब्राहम के पास जाके कहने लगी तूने मुझे दुख दिया है। उसने कहा मैंने क्या किया? याद रखिए कभी कभी मैं और आप परमेश्वर को रास्ता बताने के कारण दुखी होते हैं। वहां सारा कहती है मैं बहुत दुखी हूं। अब गलती किसकी थी? उसका फर्ज था केवल यह कहना प्रभु मुझे एक संतान चाहिए, मार्ग ना दिखाती। हेलो आपको जो चाहिए परमेश्वर से बोल सकते हैं, लेकिन कभी परमेश्वर को एडवाइज मत करें। हेलो कितने को समझ आ रहा है? मैंने अपने जीवन में ऐसी कई गलतियां की हैं
मैंने परमेश्वर को नाम लेकर बताया, इस व्यक्ति के द्वारा मेरी मदद कर, इस व्यक्ति के द्वारा तू मेरे रास्ता खोल। अब बाद में वही व्यक्ति मेरे पंजर में कांटों के जैसे चुभे। मैं आपको कहना चाहूंगा, अपनी दुआओं को बदलिए, आपको जो चाहिए परमेश्वर से बोलिए, बस परमेश्वर के आगे रखिए। और फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर उत्तर आए तो बोलिए मेरे लिए ठीक है, उत्तर ना आए तो बोलिए मेरे लिए ठीक है। अगर उत्तर नहीं आया तो इसका अर्थ ये है परमेश्वर अपने प्रोजेक्ट पे एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। बोलिए आमीन, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल सटीक काम कर रहे हैं। मार्था और मरियम दो बहनें थी, उन्होंने यीशु को प्रेयर किया, उन्होंने कहा प्रभु हमारा भाई बीमार है, उसको आके चंगा करो। अब याद रखिए, उन्होंने कहा हमारा भाई बीमार है उसको चंगा करो, प्रभु ने कोई आंसर नहीं किया। हेलो शालोम चर्च के भाई बहन, ध्यान से सुनिए, मार्था मरियम ने दुआ की हमारा भाई बीमार है, प्रभु ने कोई आंसर नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेयर का आंसर आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। अब मालूम है उनका आंसर नहीं आया, क्या हो रहा था? वो चंगाई मांग रही थी, प्रभु अपने प्रोजेक्ट पे खड़े थे। वो कहते तुम छोटा मांग रही हो, तुम चंगाई मांग रही हो, मैंने मुर्दे को जिंदा करना है, मैं तुम्हें बड़ी महिमा दिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें बड़ी गवाही दिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करना चाहता हूं। कहें आमीन। उत्तर आए तो खुश, उत्तर ना आए कोई सवाल नहीं। कहें आमीन, जोर से बोलिए आमीन। यीशु के नाम की हालेलुया। मैं आपको वापस लौट के लेके आना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर अपने तरीके से काम करते हैं। परमेश्वर का आपके जीवन में मार्ग खोलने का अपना तरीका है। परमेश्वर ने अपनी बातों को अपने तरीके से करना है। याद रखना, आपकी दुआ ये होनी चाहिए, प्रभु मैं ये मांग रहा हूं, इसके बाद मैं इन चीजों को आपके हाथ में देता हूं। हालेलुया, प्रभु मेरी नीड ये है, लेकिन इसके बाद मैं अपनी सारी बातों को आपके हाथ में देता हूं। मैंने कितने ऐसे भाई बहनों को एक दुआएं मुझसे करवाने के लिए और खुद करते हुए ये कहते सुना, पास्टर जी दुआ करो उससे कुड़ी नाल व्याह होए, उससे मुंडे नाल व्याह होए। तो मैं उनको कहता होता हूं, ठीक है, ये दुआ आपकी है कि उसी लड़की से शादी हो, ये दुआ आपकी है कि उसी लड़के के साथ शादी हो, लेकिन कल शादी के बाद क्या होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, प्रभु इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। एक और बात बोल के बंद करना चाहूंगा आज के संदेश को, ये सुनिए, आप अपने परमेश्वर का ऑनर करें। इस बात के द्वारा मेरा परमेश्वर उत्तर दे या ना दे, ये बात मेरे रिश्ते को प्रभावित नहीं करेगी मेरे परमेश्वर के साथ। कौन कौन आज इस बात के ऊपर अड़िग है, परमेश्वर उत्तर दे ना दे मेरा रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता खुदा के साथ? कौन कौन खड़े हैं? हाथ कम है। सुनिए, एक गंभीर बात बोल के बंद करूंगा, जब आप अड़ते हैं याद रखिए, आप शैतान को अपने जीवन में इनविटेशन दे रहे हैं। आपका किसी बात को लेकर अड़ना शैतान का आपके जीवन में एक आने का एक द्वार बन जाता है, वो बात जिसके लिए आप अड़े हैं। आपका किसी बात के लिए अड़िग होना दुष्ट के लिए एक द्वार खोलते हैं आप, जब इस तरह का रवैया आप रखते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा ये इस बात की परख होती है। मैंने पिछले दिनों में बाइबल में से एक बात सीखी, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई। पंडाल साहब यहां आ जाओ। मैंने पिछले दिनों में बाइबल में से एक बात सीखी, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई। इधर देखिए, मैं पंडाल साहब को इस बात के एग्जाम्पल के लिए आगे बुलाया। मैंने
मैंने बाइबल में सीखा और मैं क्लियर हूं इस बात के लिए, अड़ा हूं मैं इस बात के लिए, क्योंकि मुझे वचन समझ आ गया है, मेरी बुद्धि को परमेश्वर ने छू लिया है, मेरे दिल दिमाग को पवित्र आत्मा ने इस बात के लिए प्रिपेयर कर दिया है। याद रखना, जब आप परमेश्वर के आगे इस रीति से आते हैं कि परमेश्वर जो मैंने कहा आप वो करें, जो मेरी इच्छा आप उसको पूरा करें, जब आप अपनी इच्छा के ऊपर अड़ते हैं तब आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में गंवाते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जब आप किसी बात को लेकर अपने जीवन में अड़ जाते हैं तब आप अपने जीवन में बहुत कुछ गंवाएंगे। आप पाएंगे कम, गंवाएंगे ज्यादा। हेलो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप पाएंगे कम, आप गंवाएंगे ज्यादा। किसी मुद्दे को लेकर परमेश्वर के आगे अड़ना, किसी विषय को लेकर परमेश्वर के आगे जिद करना, यह आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को घटाता है, परमेश्वर की ग्रेस को आपकी लाइफ से कम करता है, परमेश्वर की योजना में बाधा बन जाता है, विघ्न पैदा करता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, शाऊल इसराइलियों की जिद के अनुसार एक दिया गया राजा था, वो उनकी जिद थी, वो उन्होंने मांगा था, वो उन्होंने कहा था हमें एक राजा चाहिए। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी जिद है, ये तुम्हारी मांग है, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें एक राजा दे रहा हूं। याद रखना, जब शाऊल राजा बना उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे उसका राज्य बढ़ता गया इज़राइली संकट में पड़ते गए, जैसे जैसे उसका राज्य बढ़ता गया इज़राइली और ज्यादा कमजोर होते चले गए, जैसे जैसे उसका राज्य बढ़ता गया इज़राइलियों के ऊपर संकट बढ़ता गया। याद रखना, जब आप अपनी जिद पे खड़े रहते हैं ये परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में से निकाल ले जाता है। शैतान चलाक है, वो चलाक है। आप कोई कमिटमेंट परमेश्वर के आगे करते हैं ना, उसके पीछे एक ब्लेसिंग है। आगे देखो, अगर आज पंडाल साहब ये कहते हैं मैं आज के बाद सप्ताह में दो बार उपवास रखूंगा, अगर ये कोई कमिटमेंट परमेश्वर के आगे कर रहे हैं, हर कमिटमेंट के पीछे एक ब्लेसिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने आज कमिटमेंट किया और कल ये ब्लेसिंग रिलीज हो जाएगी। आज इन्होंने कमिटमेंट किया, कल ये बात जो इन्होंने अपने मुंह से बोली है ये परखने के लिए जाएगी, इसकी सच्चाई परखी जाएगी, इसमें सच्चाई कितनी है। और अगर वो बात ट्रू निकली जो इसने बोली तो ये परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में देखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं सुबह उठता था और कभी कभी 5 बजे, एक दिन 5:30 बजे एक पति पत्नी मुझे मिलने आए मॉर्निंग में। मैंने उनको खुद पानी पिलाया, सुबह सुबह मुझे मिलने आए। मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी लोग सुबह सुबह मेरे घर आ जाते थे और मेरा प्रार्थना का समय चोरी हो जाता था। मैं मॉर्निंग में उठ के प्रेयर नहीं कर पाता था, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था। मैं हमेशा बोलता हूं आपको प्रभु के साथ चलने के लिए अपने विषय में कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। दोबारा रिपीट करूं, आपको प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने लिए कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपने लिए, स्वयं के लिए। और मैं प्रेयर में स्लोट के प्रेयर नहीं कर पाता था, बहुत बार ऐसा होता था। एक दिन मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया, मैंने कहा जब तक मेरे हाथ पांव हैं और मैं जमीन पर जिंदा हूं और मेरे वश में है, तब तक, जब तक मेरा आखिरी प्राण इस जमीन के ऊपर है, मैं एक निर्णय लेता हूं, मैं सुबह उठने के बाद 2 भजन गाऊंगा, 1 अध्याय बाइबल का पढ़ूंगा, स्वयं या किसी के साथ मिलकर प्रेयर करूंगा। ये मेरा फैसला था। और ये फैसले के साथ मैंने एक बात बोली, सुबह उठ के ब्रश करता हूं, मैंने कहा मैं प्यास मिटाने के लिए एक बूंद पानी का भी अपनी जुबान पर नहीं रखूंगा, एक अन्न का दाना भी अपनी जुबान पर नहीं रखूंगा जब तक ये कर ना लूं। अब मालूम है, मेरे इस कमिटमेंट के पीछे मुझे पता था बड़ी बड़ी आशीषें, बड़े बड़े वरदान, बड़ी बड़ी सामर्थ, बड़े बड़े महान महिमा के काम छिपे हुए। लेकिन ये बात परखने के लिए गई कि क्या मैं इस पे खड़ा होता हूं, नहीं होता हूं। एक दिन सुबह उठने के बाद ऐसे हालात पैदा हुए,
दो बज गए गर्मियों के दिनों में और मैंने एक बूंद पानी की अपनी जुबान पर नहीं रखी थी। तब मैंने एक निर्णय लिया, मैं कहीं था, मैंने बोला ये सब काम तो बंद होने वाला नहीं है, आज ये परखा जा रहा है कि मैं अपनी जुबान के ऊपर अन्न रखता हूं नहीं रखता। पहले दो भजन गाने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद और प्रार्थना करने के बाद इस बात को परखा गया। मैंने सब बातों की तरफ किया, बहुत से लोग मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अभी आया। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो, मैंने बोला मैं आके बताता हूं। मैं गया, मैंने अपनी गाड़ी खोली, एसी ऑन किया, गाड़ी में बैठा और मैंने चारों शीशे बंद किए और जोर जोर से दो गीत गाए और बाइबल पढ़ी और प्रार्थना करी और वहां से वापस निकल कर आया। मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप कोई कमिटमेंट खुदा के साथ करते हैं, वो परखने के लिए जाएगा उसमें कितनी सत्यता है। जब आप कोई बात अपने मुंह से बोलते हैं, वो परखने के लिए जाएगा उसमें कितनी सच्चाई है। अगर आप वहां पर सही निकले, उस परख से पार निकल गए, उस बात से आप निकल गए, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आपके उस कमिटमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी बरकत छिपी हुई है। बोलिए हालेलुया, कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन। इसलिए मैंने कितने लोगों को कहते सुना, जब मैं कोई कमिटमेंट कर लेता हूं मैं उसको तोड़ देता हूं या मुझसे टूट जाता है, आपकी वो बात परखने के लिए गई है कि उसमें कितनी सत्यता थी, उसमें कितनी सच्चाई थी। हेलो, कितनों को समझ आ रहा है आज का वचन। शाऊल इसराइलियों के मांगने के अनुसार राजा था, इसलिए आप शाऊल के राज्य का अंत होते होते देखेंगे इसराइली मुसीबत में थे। मैं आपको कहना चाहूंगा, खुदा ने दे तो दिया लेकिन उसके साथ स्ट्रगल जुड़ा हुआ था। आप जब खुदा से कोई बात जिद करके मांगेंगे मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ एक स्ट्रगल ऐड होगा। हिंदी की बाइबल में लिखा है, मैं आनंदित हूं, बंद करने से पहले आपको बात बताते हुए, परमेश्वर जब सुख देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। याद रखिए, अगर आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई चीज पाई, वहां सगल नहीं है, वहां कष्ट नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां परेशानी नहीं है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ये बात भी परखने के लिए जाती है, क्या आप प्रभु में आनंदित रहते हैं। हम गीत गाते हैं, मैं कहूंगा ये वाला गीत कम गाएं, ये वाला गीत कम गाएं। अगर गाएं तो अड़े रहें, अगर गाएं तो अड़े रहें। गीत कम इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता आप पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, स्तुति प्रशंसा करें क्यों ना कुछ होता रहे। एक परमेश्वर के महान सेवक थे हमारे लुधियाना में, कई साल पहले वो ऐसा कहा करते थे, मसीह लोग झूठ बोलते नहीं है, झूठ गाते हैं। स्तुति प्रशंसा करें क्यों ना कुछ होता रहे। अरे भैया, आपने आप गीत गाने बैठे हैं और उधर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, आपने मुझे मालूम है वो गीत गाना बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसे गीत गाते हैं तो फिर अड़े रहना, क्योंकि वो गीत जो आप गा रहे हैं वो कमिटमेंट कर रहे हैं आप। बोलिए आमीन। और अगर आप अड़े रहे कि कुछ भी होता रहे, तो फिर याद रखिए ब्लेसिंग ऐसी होंगी जो दुनिया में। हालेलुया, मैं एक वर्ड आपको देना चाहूंगा, अपना हाथ उड़ाएं ईश्वर की ओर। अगर आप अपने कमिटमेंट पे खड़े रहते हैं तो ब्लेसिंग ऐसी होगी जो आपके जैसी ब्लेसिंग जैसी आपके पास है दुनिया में और किसी के पास दिखाई ना देगी। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अपने हाथों को उठा के रखें, हम दुआ में शामिल हों। करुणामय पिता परमेश्वर, होने दीजिए आज के बाद हम अपने जीवन की हर बात को आपके हाथ में दें, और हमारी ये दुआ हो कि प्रभु मुझे आशीष चाहिए लेकिन आपके मन के अनुसार। प्रभु आज के बाद हमारी दुआएं ये हो, प्रभु मुझे उन्नति और तरक्की चाहिए लेकिन आपकी योजना में। प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं लेकिन आपकी इच्छा से। प्रभु आप मुझे बढ़ाइए लेकिन अपनी योजना के द्वारा।
प्रभु होने दीजिए, आज के बाद हमारी हर दुआ आपकी इच्छा के अनुसार हो। खुदावन मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है, अपने एक एक बेटे बेटी को बरकत देना जिन्होंने आज वचन सुना, आज के बाद से इनकी दुआएं ऐसी हों, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे आशीष चाहिए, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, प्रभु मुझे प्रमोशन चाहिए, लेकिन आपके मुताबिक और आपके समय पे। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने समय पे काम करते हैं प्रभु, तब अद्भुत होता है। हालेलुया। एक एक अपने बेटे बेटी को बरकत दें, आज के बाद ये कभी निराश ना हो। मेरे हृदय की विनती और प्रार्थना है प्रभु, मैं इस कलीसिया का पासवान होने के नाते हाथ उठाकर इनके लिए मांग लेता हूं प्रभु, इनमें से हर व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला हो जाए। एक एक को ब्लेस करें, खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग के पाते हैं, आमीन।